अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स अचार। मिक्स अचार के लिए हमें चाहिए कैरी 2 किलो, हरी मिर्चें 1/2 किलो, ग्वार 1/2 किलो, छिला हुआ लहसुन 1 पाव, लीमू 1 पाव। इसे हमने काट के 4 हिस्सों में बांट दिया था और इसके बीज निकाल दिए हैं। देखिए ये बीज निकल चुके हैं। इसके बाद हमें चाहिए नमक 1 प्याली, अजवाइन 2 टेबल स्पून, रायदाना 4 टेबल स्पून, साबुत धनिया, इसको हमने हल्का बारीक कूट लिया है 1 प्याली, कलौंजी 1/2 प्याली, मेथी दाना 1/2 प्याली, सफेद जीरा 1/2 प्याली, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 प्याली, हल्दी 4 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 प्याली। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अचार बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम कैरी को छील लेंगे और छील कर कश कर लेंगे। छीलने के बाद इसे कश कर लेंगे। कश करके 4 घंटे के लिए नमक लगा के 2 टेबल स्पून नमक लगा के धूप में रख देंगे। मिलते हैं 4 घंटे बाद। चलिए 4 घंटे गुजर चुके हैं। 4 घंटे बाद हमारी केरी इस तरह से दिखने लगी है। इसका पानी खुश्क हो गया है। अब चलते हैं मसालों की तरफ। मसालों में सफेद जीरा, मेथी दाना, साबुत धनिया, राई दाना, अजवाइन और नमक, ये तमाम चीजें हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। बस कलौंजी को नहीं पीसेंगे। कलौंजी हमारे मसाले को काला कर देगी, हमारा अचार भी फिर काला काला बनेगा, इसलिए कलौंजी को नहीं पीसेंगे। और मसाला दरदरा पीसना है, बारीक नहीं। यह 1/2 प्याली सौंफ है, इसे हमें बारीक पीसना है। चले पीसते हैं। ये भी इसी मसाले में शामिल कर देंगे। चले अब हम कैरी में, कश हुई हुई कैरी में हरी मिर्ची, ग्वार, लहसुन, लीमू, लाल मिर्चे, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चे, सब्जी पानी बिल्कुल नहीं लगा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। फिर अब हम इसके अंदर ये पिसा हुआ जो मसाला हमने ग्राइंड किया था ये इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से हमने मसाला मिक्स कर लिया है। अब इसको 3 दिन तक धूप लगानी है और मिलते हैं 3 दिन के बाद। इसे हमेशा लकड़ी के चमचे के साथ ही इस्तेमाल कीजिएगा। अचार निकालना हो, मिक्स करना हो, तो बस लकड़ी का ही चमचा इस्तेमाल करना है। तीन दिन के बाद हमारा अचार इस तरह हो गया है। देखें
ये बिल्कुल गल चुका है, 3 दिन धूप में रखा था। ये 1 लीटर तेल है सरसों का, इसे हमने अच्छी तरह से गरम कर लिया। खूब अच्छी तरह गरम करने के बाद इसे ठंडा कर लिया। अब हम इसको इस बॉटल में डाल लें। तेल हमें इतना डालना है कि हमारा अचार डीप हो जाए। अब लकड़ी के चमचे से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए मजेदार मिक्स सब्जी का अचार तैयार है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। घर का बना हुआ हेल्दी अचार है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।